नमस्ते बच्चों कक्षा आठ विषय हिंदी इक्कीस सातवा हार की जीत का हमने अध्ययन किया था हमने लास्ट में देखा था कि बाबा भारती का जो घोड़ा था वह बहुत ही अच्छा सुंदर और गुणवान था और उस घोड़े की प्रशंसा आसपास के गाँव में भी होती थी घोड़े की प्रशंसा किसके कानों पर पड़ी डाकू के डाकू खड़क सिंह थे उसके कानों में पड़ी और डाकू खड़क सिंह को अब क्या हुआ कि अब तो यह घोड़ा मैं लेकर ही मानूंगा अब हमने लास्ट में देखा था कि बाबा भारती थे वह खड़क सिंह की इस बात से डर गए थे अब उन्हें रात को भी नींद ना आती थी सारी रात वह अस्तबल अस्तबल जो था उनकी रखवाली में काटते थे का उसको डर रहता था परंतु कई महीने बीत गए पर वह खड़क डाकू आया नहीं यहाँ तक कि बाबा भारती भी कुछ अवसाद असावधान हो गए अब हम आगे देखते हैं आगे का हमारा जहां से कई बाकी था हार की जीत का वहां से आज हम अध्ययन करेंगे ठीक है मैं आपको यहाँ कई पढ़कर सुनाऊंगी आप सब लोग अच्छी तरह से ध्यान से समझना ठीक है संध्या का समय था बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे इस समय उनकी आंखों में चमक थी मुख पर प्रसन्नता कभी घोड़े के शरीर को देखते कभी उसके रंग को और वह मन में फूले न समाते सहसा एक ओर से आवाज आई ओ बाबा इस कं, कंगली की सुनते जाना आवाज की करुणा थी बाबा ने घोड़े को रोक लिया देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा थे बोले क्यों तुम्हें क्या कष्ट है अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा बाबा मैं दुखिया रहा हूँ मुझ पर दया करो रामवाला यहाँ से तीन मील है मुझे वहीं जाना है कोड़े पर चढ़ा लो परमात्मा आपका भला करेगा वहां तुम्हारा कौन है? वेध नाम, वेध नाम वेद का तो सुना होगा। उनका हूं बाबा भारती ने घोड़े से उतर कर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा अब उन्होंने देखा कि अपाइज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है उनके मुख से भय विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकली वह अपाहिज और कोई नहीं था कौन था खड़क सिंह डाकू था बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे इसके पश्चात कुछ नि, कुछ निश्चय कर पूरे बल में बल से चिल्लाकर बोले जरा ठहरो ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरता तो हुआ कहा बाबा जी घोड़ा अब न दूंगा देखिए डाकू खड़क सिंह और बाबा भारती के भारती जी थे उनके बीच दोनों के बीच बात हो रही है उसका यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है अब आगे क्या कहते मगर एक बात सुनते जाओ खड़क सिंह ठहर गया बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है फिर कहा यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं उस उसे अस्वीकार न करना नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा बाबा जी आज्ञा कीजिए मैं आपका दास हूँ केवल यह घोड़ा न दूंगा अब घोड़े का नाम न लो तुम मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूंगा इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया उसका विचार था कि उस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसने उससे कहा इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है खड़क सिंह ने बहुत सोचा बहुत सिर मारा परंतु कुछ न समझ सका हरकर उसने अपनी आ, अपनी आंखों में बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा बाबा जी इसमें आपको क्या डर है सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी करीब का विश्वास न करेंगे यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही न रहा हो बाबा भारती चले गए परंतु उनके शब्द खडक सिंह के कानों में कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे सोचता था कैसे ऊंचे विचार है पवित्र भाव है उन्हें इस घोड़े से प्रेम था इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूंगा इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न पड़ती है उन्हें केवल यही ख्याल था कि वह कहीं लोग गरीब पर विश्वास न करना छोड़ दें ऐसा मनुष्य मैंने कभी नहीं देखा है यह तो देवता है रात्रि के अंतकार में खड़कसी बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा चारों ओर सन्नाटा था आकाश में तारे टिमटिम -टिम आ रहे थे थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भोंक रहे थे मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था खडकसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर फटाफट बंद कर दिया इस समय उसकी में नेकी के थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था चौथा पहर प्रारंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकले ठंडे जल से स्नान किया उसके पश्चात पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चला चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े परंतु फाटक पर पहुँच से उनको अपनी भूल प्रतीत हुई साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन मन में भर कर बना दिया था वे वहीं रुक गए घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिन हिनाया हिन अब पापा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बाद हुए उसके पुत्र से मिल रहा हो बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते बार बार उसकी मुंह पर थपकिया देते फिर वे संतोष से बोले अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा तो चलो बच्चों हमने यहाँ बाबा भारती उसका घोड़ा सुल्तान एवं डाकू खड़ग सिंह के बीच जो भी बातचीत हुई यहाँ पर जो भी हुआ वह हमने देखा अब आपको यहाँ इकई एक, एक बार घर से होमवर्क में पढ़ना है और उसके शब्दार्थ एवं मुहावरे भी पढ़ने हैं होमवर्क में फिर से दोहराती हूँ आपको यहाँ इकई एक, एक, एक बार पढ़ना है इसके शब्दार्थ और मुहावरे भी आपको होमवर्क में अच्छी तरह से पढ़ने हैं ठीक है ठीके? नमस्ते बच्चों